हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो गरीब लोग हैं दिल्ली के, उन्हें राशन शॉप से घर पर राशन डिलीवर किया जाएगा। लेकिन सेंटर ने इस स्कीम के लिए परमिशन ग्रांट नहीं की। सो हे एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी क्विक और आज की इस वीडियो में हम दिल्ली गवर्नमेंट की इस स्कीम के बारे में जानेंगे। बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत राशन्स यानी वीट, राइस, मिलेट्स, ये सारे बेनिफिशियरी के डोर स्टेप तक पहुंच जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रॉपर सीसीटीवी मॉनिटरिंग एंड जीपीएस व्हीकल्स के साथ। इसमें नया ये था कि ग्रेन्स को अच्छे से प्रोसेसिंग यानी पीस के प्लस पैकेजिंग करके ग्रेन का प्राइस प्लस प्रोसेसिंग को ऐड करके डायरेक्ट प्राइस लिया जाएगा बेनिफिशियरी से, जो पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में एब्सेंट था। इसके पहले 3 रुपए में चावल और 2 रुपए में वीट बेनिफिशियरी को दी तो जाती थी, लेकिन फिर प्रोसेसिंग का चार्ज अलग से लगता था और डोर स्टेप तक जाने की कोई सुविधा भी मौजूद नहीं थी। लेकिन यूनियन मिनिस्ट्री के कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने इस स्कीम के लिए मना कर दिया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि हमने ऑलरेडी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसी स्कीम्स लाई हुई हैं जिससे कंट्री की अप्रॉक्सीमेटली 75% सिटीजन को हेल्प मिल रही है। 3 रुपीज़ राइस एंड 2 रुपीज़ वीट और 1 रुपीज़ ग्रेन जैसी सस्ती दरों पर ग्रेन खरीद सकते हैं वो पर मंथ। तो ऐसे में मुख्यमंत्री घर घर योजना को अप्रूवल देना कोई मतलब का नहीं बनता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में चेंज लाकर। ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, चलिए क्विकली से समझ लेते हैं। एक फार्मर सबसे पहले अनाज उगाता है। एक MSP के ऊपर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उपजे हुए अनाजों को प्रोक्योर कर लेती है किसानों से। देन सेंट्रल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट को अनाज अलॉट कर देती है। एंड लास्टली स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग राशन शॉप्स में अनाजों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस पे दिल्ली गवर्नमेंट ने प्लान किया कि राशन शॉप से इन अनाजों को खरीद कर प्रोसेसिंग करने के बाद घर घर तक पहुंचाया जाए। इससे लोगों को घर बैठे बैठे ग्रेन्स मिल जाएंगे पर मंथ। बट होम डिलीवरी में बेनिफिशियरी को रिलोकेट करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में ना तो उन तक ग्रेन्स पहुंच पाएंगी, ना तो वो स्कीम का फ़ायदा उठा पाएंगे, ऐसा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का कहना है। ऑल्दो कोई भी स्कीम या प्लान तभी सक्सेसफुल हो पाती है जब सेंटर और स्टेट दोनों कोऑपरेट करें अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करके। होम डिलीवरी से फ़ायदा ये होता कि लोग बाहर नहीं निकलते, लंबी लाइंस नहीं लगानी पड़ती और फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे इश्यूज नहीं क्रिएट होते। दिल्ली बेस्ड सिटीजन्स ने कहा भी था कि जब सरकार लेकर होम तक डिलीवर कर सकती है तो राशन क्यों नहीं। इस पर आपकी क्या राय है आप कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।